Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Tech Leo Academy. मेरा नाम राहुल शुक्ला है. मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लॉक के बारे में कुछ शॉर्ट ट्रिक बताया था. जो लोग अभी तक क्लॉक वाले वीडियो को नहीं देखा है, कृपया वे लोग जरूर देखें. आज का टॉपिक है कैलेंडर. तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि कैलेंडर क्या है. शुरू करते हैं कि व्हाट इज कैलेंडर. कैलेंडर क्या है? तो सबसे पहले कैलेंडर वह पत्र है जिसमें डेज, मंथ एंड ईयर्स प्रिंट रहता है. क्या रहता है? प्रिंट रहता है. एक ऐसा लेटर है जिसमें डेज, मंथ और ईयर प्रिंट रहता है. जैसे एक कैलेंडर में एक साल में एक एक वन मतलब वन वन ईयर में कैलेंडर में वन ईयर वन ईयर में वन ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं. और 365 और 366 डेज होते हैं, जिसमें मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं. मंथ के अंदर 30 या 31 एक्सेप्ट फरवरी. फरवरी में 28 और 29 डेज होते हैं. क्या होते हैं? डेज होते हैं. और मंथ में कुछ मतलब सम वीक भी होते. जैसा कि हम जानते हैं कि एक चार्ट के द्वारा हम समझते हैं कि ईयर में कितने मंथ्स, कितने डेज. तो ईयर में वन ईयर में एक साल में 12 महीने होते हैं. और 365 और 366 डेज होते हैं. 365 को हम सिंपल ईयर कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? सिंपल ईयर कह सकते हैं. और 366 को हम लीप ईयर कहते हैं. क्या कहते हैं? लीप ईयर. और इसी प्रकार अगर हम वन मंथ की बात करें, अगर एक मंथ मतलब एक महीने में 30 और 31 डेज होते हैं. और उस हर एक महीने में 4 और 5 वीक होते हैं. एक्सेप्ट फरवरी में 28 और 29 डेज होते. फरवरी में 28 डेज ये सिंपल ईयर में होता है. और फरवरी 29 का ये लीप ईयर में होता है. ये रहा कुछ कैलेंडर की जरूरी जानकारी. अब हम आज इस लेक्चर में हम
ईयर मतलब ईयर बदलने से डेज कैसे बदलता है ये देखेंगे। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, अगर इफ इफ डेज एंड मंथ आर सेम, इफ डेज आर मंथ एंड मंथ आर सेम बट ईयर इज चेंज, देन व्हाट चेंज इन डे। सबसे पहले जानते कि एक साल में कौन कौन से मंथ होते हैं। एक वन ईयर में कौन कौन से मंथ होते हैं। पहला जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, पांचवा मई, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 और 29 डेज होते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ये हमारे कुछ महीने और उसमें कितने डेज होते हैं ये हो। और हम एक फर्स्ट मतलब एक वीक में कितने कौन कौन से दिन होते हैं ये देखेंगे। एक वीक में 7 डेज होते हैं। कौन कौन से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डेज। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर ईयर बदले तो डेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर एक कोई सिंपल ईयर मतलब सिंपल 365 सिंपल ईयर मतलब 365 डेज, 365 डेज वाले में मंथ कितने होते हैं, 12 और ईयर डेज कितने होते हैं, डेज होते हैं 365। अगर हम सिंपल ईयर में एक्स्ट्रा डेज मतलब एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए 365 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 365 डिवाइड बाय 7, तो इसको करेंगे 5 जा 35, कैरी 1, 5 2 जा 14, कितना है 1। तो इसको डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आया 1। तो इसका एक्स्ट्रा डेज कितना होगा, एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा 1। और इसी प्रकार से इन इन है लीप ईयर, इन है लीप ईयर। अब लीप ईयर में क्या होता है, मंथ कितने होते हैं, लीप ईयर में मंथ होते हैं 12 और डेज होते हैं 366। एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालेंगे, एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए 366 को
7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 366 डिवाइड बाय 7, 5 जा 35, 1 कैरी 2 जा 42। तो एक्स्ट्रा डेज कितना है, 2, रिमाइंडर आया 2, तो एक्स्ट्रा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आया 2, तो एक्स्ट्रा डेज क्या हो गया, मतलब एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं और एक सिंपल ईयर में 1 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो चलिए देखते हैं, जब महीना मतलब मंथ, व्हेन मंथ एंड डेज आर सेम, then when year are changed, then what, तब क्या होगा, सिंपल ईयर में, सिंपल ईयर में क्या होगा, सिंपल ईयर में मतलब एक साल से दूसरे साल में बदलने से 1 days एड हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 day एड हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर जैसे मंडे है तो ट्यूजडे हो जाएगा एक साल से दूसरे साल में जाने में, और वही लीप ईयर में क्या हो जाता है, 2 days ऐप हो जाता है, क्या हो जाता है, 2 day एड, मतलब कि जैसे मंडे है ट्यूजडे वेडनेसडे बढ़ जाता है, समझे। चलिए समझ में आया कि सिंपल ईयर में 1 days ऐड होता है और लीप ईयर में 2 days ऐड हो जाता है। ये दोनों बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डे पूछेगा तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम आप लोगों के लिए सॉल्व करते हैं कि अगर हमें दिया है 10 मार्च 2021 को क्या है, वेडनेसडे, क्या है, वेडनेसडे, तो 10 मार्च 2025 को कौन सा डे होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डे, दिन सेम है, महीना मंथ सेम है, तो हमें क्या करना है, साल बदला है तो 2021 से 2025 के बीच में कितने साल का गैप है, 4 ईयर का गैप है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई ना कोई लीप ईयर भी आया होगा। तो लीप ईयर हम कैसे चेक करेंगे, कोई भी कितने भी ईयर हो उसको हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी उसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आएगा, जैसे यहाँ 1 आया तो इस 4 मतलब 4 ईयर्स में 1 एक लीप ईयर, मतलब एक लीप ईयर आएगा और 3 सिंपल ईयर आएगा, क्या आएगा, 3 सिंपल ईयर आएगा, 3 सिंपल ईयर आएगा, मतलब कुल एक लीप ईयर में कितने होते हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, और एक सिंपल में तो 1 होते हैं, तो अगर 3 सिंपल है तो 3 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, तो टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे, 5 डेज हो जाएंगे। जब 5 डेज हो जाएंगे तो ये यहाँ पे हमें गिवन कितना है,
वेडनेसडे की गिवन है, तो अगर हमें अगला डे पता करना है तो वेडनेसडे में क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे। तो वेडनेसडे से 5 ऐड किया तो क्या आएगा, डेज क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो यहाँ पे हमें वेटनेस दे दिया है, यहाँ से 5 ऐड करना है, तो 1, 2, 3, 4 और ये रहा 5। मतलब जो अगला 10 मार्च 2025 को 10 2025 को कौन सा डेज होगा, मंडे हो, क्या होगा, मंडे। देखिए इतना सिंपल से हम लोगों ने कैसे पता कर लिया, ट्रिक से। एक एग्जांपल हम आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके अपनी आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम बताएं। जैसे दिया है घर में 2019 के मतलब 15 अगस्त को अगर ट्यूसडे दिया हो, सॉरी 19 अगस्त को थर्सडे दिया हो, अगर 19 अगस्त को थर्सडे दिया हो थर्सडे दिया हो तो अगर हमें अगला पता कर 2011 के 15 अगस्त को 11 के 2015 अगस्त को क्या होगा, मतलब कौन सा डे होगा ये पता करना। तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ पे 15 अगस्त ये मंथ और डे सेम है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 2019 से ये देखते हैं 2019 से 2011 तक कितने ईयर है। तो यहाँ पे 2019 से 11 में कितने ईयर आएंगे, 9 कह दिया तो 8 ईयर आएंगे, कितने ईयर आएंगे, 8 ईयर आएंगे। तो हम देखते हैं 8 ईयर, तो इसमें पता करेंगे कि लीप ईयर का कितना है, तो 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो 8 ईयर में कितना आएगा, 2 लीप ईयर आएगा और 6 सिंपल ईयर आएगा, 2 लीप ईयर आया और एक 6 सिंपल ईयर आया, तो कितना हो गया, लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, एक लीप ईयर में 2 होते हैं तो 2 लीप ईयर में 4 एक्स्ट्रा डेज होंगे, और 6 में 1 में 6 होते हैं तो 6 में 6 होंगे, टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे, 10 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें 2019 से 11 जाना है, मतलब पीछे जाना है, तो हम यहां से काम कर सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 10 डेज, मतलब थर्सडे से 10 डेज पीछे जाना है, ये थर्सडे रहा, यहां से अगर हम 10 डेज पीछे जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये रहा 6, ये 7, ये 8, ये 9, फिर से ये आ जाएगा यहाँ पे 10, मतलब ये आएगा कौन सा, मंडे, मतलब 2011 15 अगस्त को क्या होगा, मंडे हो। एक और क्वेश्चन देखते,
इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, इसकी सोल्यूशन को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2020 को अगर संडे है, क्या है संडे है, तो 15 अगस्त 2023 को कौन सा डे होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल हम मंथ और उसके बाद हम डेज के बारे में कैसे चेंज होगा और कौन सा डेज होगा ये बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।